नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं कुशन कवर। आप देख रहे हो कलरफुल कुशन कवर, बहुत ही सुंदर और बहुत इजी तरीके में। इससे शायद आसान तरीका और कोई नहीं होगा, तो आप देखते ही वीडियो इसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे सरल मेथड है कुशन कवर बनाने का और बचे हुए कतरन के कपड़ों से। तो देखा दोस्तों, ये है हमारे पास कुछ बचे हुए पार्ट्स की पट्टियाँ। जो फैब्रिक बचा हुआ होता उसकी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 2-2 इंच की ये पट्टियाँ कटिंग कर ली है, 2 इंच की या फिर 2.25 इंच की, इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर ली। जो भी आपके पास कलर बचे हुए हो, तो सूट के ये फैब्रिक है ज़्यादातर ब्लाउज या सूट के, तो उनकी मैंने जो बचे हुए कपड़े थे छोटे छोटे, तो इस तरह से उनकी फैब्रिक की इस तरह से जो बचे हुए होते हैं तो उनकी इस तरह से कट कर लिया है। अब हम आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कुशन कवर बनाना बता रहे हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बहनों की रिक्वेस्ट थी कि हमें अच्छे से कुशन कवर बताएं, तो आप इसको, मैंने तो बहुत सारे कलर लिए क्योंकि ये सारे कलर्स वेस्टेज में पड़े थे, इसलिए हम इनका यूज कर रहे हैं। आपके पास 2 या 3 कलर हो तो आप 2 या 3 कलर की बनाएं, बहुत ही खूबसूरत बनती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो इनके पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि हमें जो कुशन के पार्ट्स होंगे वो कितने चाहिएंगे। तो ये पार्ट्स मैंने लिया है 15x15 का। यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से, देखिए आप, ये है 15 पार्ट्स की चौड़ाई है यहाँ पे 15 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो भी है 15 इंच। तो ये स्क्वायर में है 15x15। और इसके नीचे मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगा लिया। आप यहाँ पे बुकरम लगा सकते हो, यहाँ पे जो प्लास्टिक आते हैं प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, फोम आता है फोम सीट लगा सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो कुशन कवर है वो, उसकी जो फिनिशिंग है अच्छी रहती है, वो ऊपर से बिल्कुल फिनिश रहता है। तो इस तरह से इसके ऊपर नीचे की साइड में ये कवर लगा करके हम इसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सिलाई इसके चारों कॉर्नर पे लगा देंगे, तो ये जो हमारा पार्ट्स है वो रेडी हो जाएगा। 2 पार्ट्स और हमने लिए हैं इसके, तो ये हैं हमारे दोनों पार्ट्स 10x15 के। 15 है इसकी चौड़ाई और जो लंबाई है वो 10x10 है, तो 2 पार्ट्स है, ठीक है। इनका हम बाद में यूज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम कुशन कवर बनाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस पार्ट्स को मैंने चारों ओर से इस तरह से कवर कर लिया है, चारों ओर एक एक सिलाई कर ली है। अब जो इसका ये मिडिल सेंटर है, इस पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है। अब इस तरह से जो हमने ये पट्टियाँ कटिंग की हुई है सारी कलर वाइज, इनका अब हम यूज करेंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए, सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे और इसको हम यहाँ से, ये जो लाइन है सिम का यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी हम एक सिलाई लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। जितना हमारे पास लगभग 2-2 इंच का मार्जिन है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचा ले लेंगे, लगभग 1 इंच नीचा ले लेते हैं। इस तरह से लेकर के हम एक सिलाई ये निकाल देते हैं यहाँ पर इसकी, और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक सिलाई और लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे, तो यहाँ पे मैं दूसरा ले रही हूँ नीला कलर। इस कलर को यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक सिम ले लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे और फिर एक सिलाई और लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट करते जाएंगे।
अभी हम तीसरा कलर लेंगे, तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया है और इसको भी हम ओन साइड पे, ओन साइड को रखना है और एक सिलाई हमें ले लेनी है। इसको फिर हम इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से हम एक सिलाई निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको इसी तरह से कट करते जाएंगे। ध्यान रखना है हमें जो हमारा ये हाफ पार्ट्स है ना, जो आधा पोर्शन है, इस तरफ ही हमें ये पट्टियाँ स्टिचिंग करनी है, इस साइड से इस तरफ नहीं। और ये लगभग आधा इंच से पौन इंच इस पार्ट्स के अंदर होनी चाहिए। तो अब हम अदर कलर ले लेते हैं जो हमारे पास कलर है। तो मैंने तो ये सारे जो बच्चे हुए कलर है उनको यूज किया है। आप चाहे तो फ्रेस भी ले सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे बचे हुए कपड़ों को ही यूज करें, ज़्यादा बेटर बनेगा। तो ये मैंने और वाला कलर था वो ले लिया है और यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। अब हम अदरवाइज सिलाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके साथ में इस तरह से इसको घर लगा देंगे। दूसरे वाला कलर ले लेंगे जो हमें नेक्स्ट में हम क्रीम कलर यूज करेंगे। तो क्रीम कलर को आप इस तरह से लगाइए और एक स्टिचिंग ले लीजिए, एक फिट की स्टिचिंग ले रहे हैं यहाँ पे हम। और फिर वापस पट्टी को ऑन कर देंगे और इसके जो हमारे नीचे वाला पार्ट्स है उसके बराबर में रखते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरह फोल्ड कर दिया है, जो भी आपको कलर लगाना हो उसको लगाइए, फिर एक सिलाई निकाल दीजिए। इस तरह से सभी कलर्स की जो पट्टियां हैं वो आप अटैच करते जाइए। देखिए बहुत आसान तरीका है, इसे लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। और जो आपके पार्ट से एक्स्ट्रा है उसको आप लास्ट के अंदर कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने सारी जो एक एक कलर को पट्टियाँ हैं वो इस तरह से स्टिच कर ली है। तो दोस्तों अभी आप नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सारी जो पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं आप देख सकते हैं। और अब हम इसका तो हाफ सेंटर कर लेते हैं, इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे और इसको थोड़ा सा घड़ लगा देंगे ऐसे, और फिर बीच में जो घड़ है उस पर हम चौंक से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट हो गया है। अब हम सेंटर पॉइंट से पट्टियाँ स्टार्ट करेंगे कि हमें अनोदर साइड में कैसे लगानी है। तो अनोदर साइड में हम लगाएंगे लंबी लंबी पट्टियाँ। तो जो हमारे पास लंबी पट्टियाँ जो हमने रखी हुई हैं वो अब हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम दोस्तों हम ये कलर स्टिच करेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ मैंने की है ना, रेड कलर, यहाँ पे जो मार्क किए हैं चौके, इसके ऊपर जो भी आपको पसंद रखना है यहाँ पे, और एक सिम लेकर के इसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर दिए, एक सिलाई लेकर के ठीक वैसे जैसे पहली पट्टी हमने स्टिच की वैसे ही इसको भी करना है। सिलाई लगा लेते हैं, इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर फोल्ड कर देंगे बीच सेंटर से। ये पहली जो सिलाई होती है सेंटर पॉइंट से होगी। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट पे एक सिलाई लगा देते हैं, फिर पट्टी को सीधा कर लेंगे। और इसी के बाद वो जैसे पहली पट्टियां लगाई थी इस तरह से करके, और फिर आधा इंच की स्टिचिंग रखते हुए दूसरी पट्टी लगा करके सिलाई कर लेंगे। बस बहुत सिंपल तरीका है। तो नीचे वाली पट्टियाँ ही हमारी ऑफ हो गई है और ये पट्टियाँ भी इस तरह से एक एक स्टिचिंग हो करके फिर इस तरह से ऑन हो जाएगी, फिर दूसरी पट्टी लगा करके ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से सारी पट्टियाँ लगा करके इनको लॉक करते हुए और सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट कर देंगे और हम 13.5 इंच का जो पार्ट है स्क्वायर में 13.5 स्क्वायर 13.5 का रख लेंगे। करके लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गया यहाँ पे 13 का पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से 13 इंच। तो ये लीजिए यहाँ से 13 इंच हो गया। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं।
अब हम इस तरफ भी 13 इंच पिक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया यहाँ से 13 इंच का। और इस तरफ से भी हम इसको जांच लेते हैं कि ये 13 इंच है ना, तो ये देखिए ये यहाँ पे 13 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम एक सिलाई लगा देते हैं। तो ये मैंने डब्बा बना लिया है और जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। आधा आधा इंच की सिलाई का रखते हुए और बाकी का कट कर देंगे। 13 स्क्वायर 13 का मैंने स्टिचिंग कर ली है, सिलाई कर ली है। और अब मैं सिलाई का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसकी कटिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलाई से आधा इंच रख लेते हैं। तो ये मैंने 13 स्क्वायर 13 का जो पार्ट्स है वो रख लिया है। देखिए सिम का छोड़ दीजिए इस तरफ भी और इस तरफ भी 13 के बाद सिम का छोड़ देते हैं और इस तरफ में भी सिम का छोड़ करके फिर ये 13 इंच है। ये देखिए 13 स्क्वायर 13 का रेडी हो गया है। अब हम ये वाले पार्ट्स लेते हैं और यहाँ पे दोनों पार्ट्स के एक एक सिलाई कर लेते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके और ऐसे थोड़ा सा फोल्डिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सिलाई कर ली है बैक साइड के पार्ट्स की और ये भी वैसे ही 13.5 इंच का है दोनों साइड से। और इसके ऊपर हम ऑन साइड का पार्ट्स रख करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल से बराबर करेंगे। तो अब देख सकते हैं आप ये पार्ट बिल्कुल बराबर है इसके। तो यहाँ से और यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीच के पार्ट में इस पिन लगा दी है और इस तरह से इसके चारों ओर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, तो जो पिन्स लगाई हुई थी उनको निकाल लेते हैं और इसको हम ऑन कर लेते हैं। बस बैक साइड के पार्ट्स के ऊपर फ्रंट पार्ट रख करके और एक सिलाई लेना है और इसको इस तरह से ऑन कर लेना है। तो हमारा जो कुशन कवर बन करके रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपके पास भी जिस भी कलर की हो आप उन पट्टियों का यूज करें और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा कुशन कवर अपने घर पे बनाएं। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।